दोस्तों, इस वक्त हम नॉर्थ कश्मीर में हैं। ये वो एरिया है जहां पे आतंकवाद ने अपना पैर जमाने की कोशिश करी, लेकिन एक यूनिट थी जिसने उसके पैर उखाड़ के फेंक दिए। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, ऐसा कौन सा वीरता पुरस्कार है जो इस पलटन ने नहीं पाया? आपने इस वक्त देखा किस तरीके से ग्रूम इंटरवेंशन ड्रिल करी इस यूनिट के महारथियों ने। अब आप देखेंगे रेंज में ये किस तरीके से फायर करते हैं। दोस्तों, 13वीं बटालियन राष्ट्र राइफल्स कुमाऊं में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम रिफ्लेक्स टारगेट्स, यानी वो टारगेट जो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, उस पर नए जवान को ट्रेनिंग देते हैं। ये वो रेंज है जहाँ पर टारगेट्स टेररिस्ट की तरह हरकत करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और हमारा जवान उनकी बदलती पोजीशन के हिसाब से अपने फायर को एडजस्ट करके टारगेट को बर्बाद करता है। यहाँ पर एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा हासिल करना ही हमारा मेन उद्देश्य है। जैसा कि आपने देखा, स्काउट और उसके बड़ी ने जैसे ही टेररिस्ट को देखा, उन्होंने दौड़कर कवर लिया, साथ ही फायर एंड मूव से अपनी पोजीशंस को चेंज करते हुए टारगेट को एंगेज किया। अंत में लाइंग पोजीशन से टारगेट को एंगेज करते हुए टेररिस्ट को बर्बाद किया। यही इस ट्रेनिंग रेंज का एक मसल मुद्दा है, एक रियलिस्टिक ट्रेनिंग। हिलते हुए टारगेट, मूव करते हुए टारगेट, साथ ही अपनी पोजीशन को बदल कर टारगेट को किस तरह बर्बाद किया जाए, इसी मुद्दे को हासिल करने के लिए इस ट्रेनिंग को यूज़ किया जाता है। इस तरह की ट्रेनिंग इन जवानों को लगातार दी जाती है। मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जितेंद्र मेहता, सेना मेडल एंड बार, यानी कि इनको दो बार सेना मेडल मिला है। कर्नल मेहता, हमारी शो में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कर्नल मेहता, एक बात बताइए, ये 13RR है, ये ऑपरेट कर रही है, बड़ी नामी ग्रामी यूनिट है, यहाँ पे अशोक चक्र है, यहाँ पे शौर्य चक्र है, यहाँ पे कीर्ति चक्र है, यहाँ पे सेना मेडल है। आपको सेना मेडल मिला है दो बार, ये स्टोरी क्या है सेना मेडल की, सेना मेडल कैसे मिला आपको? सर, मैं पहले आपको बताना चाहूँगा, 13RR कुमाऊँ जो है जी, वो नदन कश्मीर की एक ऐसी बटालियन है जो काफ़ी एक्टिव एरियाज में से एक होता है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर जो मिलिटेंसी है वो केवल फॉरेन मिलिटेंट्स ही यहाँ पर होते हैं जी। अगर मैं अपने इलाके की बात करता हूँ तो यहाँ पर केवल पाकिस्तान बेस्ड लश्कर ए तैयबा जी, उन्हीं के ही मिलिटेंट यहाँ पर होते हैं जी। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मिलिटेंट हैं वो इस वक्त आपको FTs जिसको हम बोलते हैं जी, यहाँ पे FTs LTs नहीं है जी। हाँ, यहाँ पर LTs बहुत कम है जी, बहुत कम है इनफैक्ट जी। अगर जो FTs होते हैं वो अपने साथ कुछ LTs को रखना पसंद करते हैं जी, जो कि उनको लोकल जानकारी देते हैं, गाइड का काम करते हैं, गाइड का काम करते हैं, उनको जो हेल्प चाहिए होती है वो करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ताकि जो फॉरेन टेररिस्ट यहाँ पर आते हैं वो लोगों के साथ आराम से जल हो जाएं जी, उनके साथ में आराम से रह सकें, क्योंकि वो कश्मीरी स्पीकिंग है। हाँ, वो फॉरेन टेररिस्ट ज्यादातर जो पाकिस्तान से आते हैं पंजाबी स्पीकिंग है, दे आर मोस्टली स्पीकिंग पंजाबी। तो मेरा आपसे कर्नल साहब दूसरा ये सवाल है कि आपने दो सेना मेडल जीते, एज अ फौजी मैं जानता हूँ ये आसान काम नहीं है, और आसान काम खैर वैसे भी राष्ट्रीय राइफल्स में यहाँ पे ऑपरेट करना, चाहे आपको अवार्ड मिले ना मिले, वो फिर भी आसान नहीं है, क्योंकि आप हार्डकोर ऑपरेशनल एरिया में। पहला आपको ये पुरस्कार सेना मेडल का कब मिला था? पहला मुझे मिला था अगस्त 2018 में जी, और अगला मुझे बार टू सेना मेडल मिला है 26th of January 2019 में। अच्छा, तो पहले वाले की क्या स्टोरी है? जी, कंपनी कमांडर के होते हुए मैंने यहाँ पर तकरीबन 6 ऑपरेशन सक्सेसफुल ऑपरेशन में अपनी कंपनी को लीड किया है जी। तो उन्हीं में से ये दो ऑपरेशन थे जिनके लिए मुझे ये अवार्ड्स दिए गए हैं जी। उनमें से मैं आपको अगर बताऊं, आपको मैं एक छोटी सी कहानी की तरह बताऊंगा ये ऑपरेशंस जी। इनफैक्ट जैसा मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ पर ऑपरेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे ऑपरेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग होते हैं जी, क्योंकि जो FTs आते हैं, फॉरेन टेररिस्ट आते हैं, वो वेरी वेल ट्रेंड होते हैं। उनको जब भी हम लोग उनके साथ हमारा कॉन्टैक्ट होता है, हम लोग उनके साथ जब वो हमारी हमारे घेरे में कॉर्डन में फंसते हैं जी, तो वो अच्छा फायर फाइट करते हैं जी, तो हमें अच्छा फायर फाइट जो है देखने को मिलता है जी। तो उन्हीं में से एक ऑपरेशन था जिसमें हमने कुछ मिलिटेंट्स हमारे इलाके में थे जो कि यहाँ पर कुछ टाइम्स उनको यहाँ पर हो गया था, और थोड़ा सा यहाँ पर वो अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि वो इस इलाके में थोड़ा सा अपनी अच्छी पकड़ बना लेंगे। तो
ऐसी कुछ कहानी थी और हम इनको काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहे थे जी। तो जब ये इनपुट आई हमारे पास तो हमने हमारे बटालियन के ये गांव है जिसमें हमने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था जी। उस ऑपरेशन में जब हमने कॉर्डन किया इलाके को तो उसमें 6 मिलिटेंट थे। वो 6 मिलिटेंट सारे जो है फॉरेन टेररिस्ट थे, और यूँ कहूँ कि वो मिलिटेंट ऐसे थे जो अगर मैं कहूँ कि नदन कश्मीर के कमांडर्स में से एक थे जी। तो उनको हमने न्यूट्रलाइज़ किया था, उसके लिए मुझे पहला सेना मेडल दिया गया था जी। और दूसरा सेना मेडल मुझे एक दूसरे ऑपरेशन के लिए मिला था। माफ़ करिए मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, न्यूट्रलाइज़ मतलब उनको जान से मार दिया, ये थोड़ी सी आमी लैंग्वेज है, कहते हैं न्यूट्रलाइज़ करना। तो इन्होंने वो ऑपरेशन लीड करा जहाँ पे उन टेररिस्ट को, आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को जान से मार दिया था, ख़त्म कर दिया था जी। प्लीज़ जी। दूसरा ऑपरेशन जो मुझे सेना मेडल मिला था वो मेरे एक अन्य ऑपरेशन के लिए मिला था जी, जिसमें हमने 3 फॉरेन टेररिस्ट को मारा था जी। वो ऑपरेशन हमने एक गांव के भीतर जाकर किया था, जिसमें कि जो तीन मिलिटेंट टेररिस्ट थे, अगेन काफ़ी खूंखार किस्म के थे वो। अगर आप लोगों को पता होगा तो उन्होंने हमारे एओआर में जो है पिछले साल अप्रैल मई के आसपास काफ़ी सिविलियंस को उन्होंने सिविलियन किलिंग किया था उन्होंने यहाँ पर जी। तो ये 3 उन लोगों में से थे। तो इन लोगों के पीछे भी हम लोग काफ़ी दिनों से लगे हुए थे, और जब हमारे पास खबर आई थी इन लोगों के होने की तो हमने उस इलाके को घेरा, और एक सक्सेसफुल ऑपरेशन मैं कहूँगा वो, इसलिए क्योंकि इन ऑपरेशन में हमारी खुद की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई थी, कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं हुई थी जी, कोई कोलेटरल डैमेज यानी जहाँ हमने कॉर्डन किया था उस इलाके में, ना हमने किसी सिविलियन संपत्ति को कोई हानि पहुँची उसमें जी। तो ये हमारे काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन हैं। तो बड़े केयरफुली आप लोग ऑपरेशन करते हैं, कि ये मैंने कई फौजी अफसरों को देखा खासतौर से राष्ट्रीय राइफल्स, कोलेटरल डैमेज ना हो, सिविलियन को गोली ना लगे, ना उसकी संपत्ति को क्षति पहुंचे जी। यही क्लीन ऑपरेशन तभी आप मानेंगे जी। हाँ, यही हमारा प्राइम एम होता है कि हम लोग सिविलियंस को बिल्कुल नुकसान ना पहुंचाएं जी, क्योंकि ज़रूरी है हमारे जिस माहौल में हम लोग काम करते हैं उस माहौल में अगर हम सिविलियंस को कोई नुकसान पहुँचाते हैं जी, तो वो हमारी बटालियन की इमेज के लिए ठीक नहीं है। तो पलटन के लिए ठीक नहीं है, पलटन के लिए ठीक नहीं है बिल्कुल। कोशिश करते हैं कि ना हो डैमेज कोई भी जी, या कम से कम डैमेज हो, ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। अच्छा, एक मैंने खास तौर से एक ऑपरेशन सुना था यहाँ पे, मुझे लगता है शायद 13 के ही एओआर में रहा होगा वो ऑपरेशन, जब वो एक था, एक लड़की थी कश्मीरी लड़की, और यू नो तो उसके वो टेररिस्ट उसके पीछे पड़े हुए थे लड़की से, आई थिंक वो शादी वादी करना चाहता था कुछ, फिर उसके भाई को गोली मार दी, ऐसा कुछ था, वो इसी एओआर में हुआ था आई थिंक समवेयर हियर ओनली। इस ऑपरेशन में जो आप खुद बता रहे हैं कि इसमें उन्होंने एक हॉस्टेज को बनाया जी, जिसमें कि उस लड़की के भाई को ये कहते हैं कि उसका कोई उसके साथ कोई रिलेशन था, वो चाहता था कि उसके साथ वो शादी करे, और छोटा सा बच्चा ही था वो बेचारा। तो जब उन्होंने घर वालों ने इसमें आपत्ति जताई हाँ, तो उन्होंने उस घर में आकर के उनको हॉस्टेज बनाया, बंदी बना लिया उनको, उसके छोटे भाई को जी हाँ साथ में। तो जब हमारे पास ये खबर आई तो हमने घेराबंदी की जी, हमने कोशिश की इस वाले ऑपरेशन में भी कि हम कम से कम नुकसान, जो कि हमारी पॉलिसी रही है कि हम नुकसान ना पहुंचाएं, हम पूरी कोशिश की कि हम कोई नुकसान ना पहुंचाएं जी। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान मैं आपको बताता हूं, जब हमने घेराबंदी कर दी थी घरों की जी, तकरीबन 4 से 5 घंटे हम लोगों ने इंतज़ार किया, जो उन घर के रिश्तेदार थे उनको बुलाया गया जी, पुलिस को बुलाया गया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया गया, जो लोकल धार्मिक संस्थान है, मस्जिद है, उनके मौलवीज को बुलाया गया जी, उनके थ्रू हमने अनाउंसमेंट करवाया, अपील करवाई जी। हाँ, हमने अपील करवाई कि बच्चा कि छोड़ दें इसको, कम से कम घर से बाहर निकलिए, आप बच्चे को अपने कब्जे में रखें, उनको छोड़ दीजिए आप। तो लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना जी, और उन्होंने काफ़ी हम पे फायरिंग किया। इनफैक्ट वीडियो में इसका काफ़ी वायरल हुआ था, वो बुजुर्ग है, वो बुजुर्ग उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि, मैं आपको बताता हूँ, वो बुजुर्ग उसी बच्चे का ही जो है बाप था, वो कह रहा था मेरा बच्चा है जी, आप इसको छोड़ दें मेरे बच्चे को। तो शुरू में उन्होंने एक्चुअली उस घर के 9 लोगों को जो है कब्जे में रखा हुआ था। अच्छा, जब हमारी फौज काफ़ी पास चली गई थी जी, तो उनको थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा डर गए थे, या यूं कहो थोड़ा सा वो उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की जिसकी वजह से लोगों को निकलने की बाहर थोड़ी सी छूट मिल गई जी। ये लोग निकल के आ गए 7 लोग, और 2 लोग अंदर फंस गए। अच्छा, जब हमने अपनी कार्रवाई शुरू की, जब हमने उनको बार बार उनको मैसेज दिया कि आप छोड़ दीजिए, तो उन्होंने मेरे ख्याल से किसी तरह से जो उनके पिताजी थे वो निकल के आ गए वहाँ से। अच्छा, और बच्चा जो अंदर ही फंसा रह गया। अच्छा, और मैं लास्ट तक कोशिश की थी कि हम बच्चे को बचा लें, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली बचा नहीं पाए, क्योंकि हमारे साथ में
बाकी जो गांव वाले थे उनकी भी सेफ्टी का हमें ध्यान रखना था जी, जो हमारे ट्रुप्स लगे थे उनकी भी सेफ्टी का ध्यान रखना। और ऐसे ऑपरेशंस कभी साफ नहीं होते, जहां पे सिविलियंस होते हैं फिर फौज के भी हाथ बन जाते हैं, क्योंकि देखिए अगर एक घर में, मैं बता दूं जो मेरे दर्शक हैं, जैसे घर है, घर के अंदर अगर हमें पता लगा कि 3 आतंकवादी हैं, फिर उनको हैंडल करना बड़ा आसान होता है, पर जहां पे आपने बोला कि एक बच्चे को भी आपने रख लिया, अगर आप आतंकवादी को मारेंगे, बच्चे को गोली लग गई, फिर हमारा फिर वो फिर सक्सेस में नहीं गिना जाएगा, फिर फौज को खुद ही लगेगा अगर हमारी गोली से बच्चा मर गया, तो इसलिए बड़े केयरफुल रहते हैं। तो आप ये कह रहे थे कर्नल साहब कि बच्चे की जान चली गई इसमें, उन्होंने मार दिया, फायरिंग को देखते हुए, हैवी फायरिंग को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया कि हमें जो है घर को आंशिक रूप से थोड़ा सा उसको गिराया जाए, ताकि उसमें मिलिटेंट जो अंदर बैठा है वो घायल हो जाए जी, और उसको हम लोग पकड़ सकें, और बच्चे को अगर फिर भी अगर बच्चा हो सके तो उसको हम बचा सकें जी। तो फिर आपने ऐसी कार्रवाई करी कि घर का एक हिस्सा गिर गया? जी हाँ, थोड़ा सा घर का हिस्सा गिराया गया, उसमें एक्सप्लोजिव लगा के कुछ लगा जी जी। तो फिर उसके बाद वो जो कितने टेररिस्ट थे उसके अंदर, 3 उसके अंदर 2 टेररिस्ट थे, 2 टेररिस्ट जी, दोनों को साफ कर दिया। उसके घर गिरने के बाद भी जो है उसने फायर करना बंद नहीं किया था। अच्छा, क्योंकि हमने, जैसे मैंने बताया, घर को हमने पूरी तरीके से नहीं गिराया था, लेकिन उसका फायर उसके बाद भी आना कंटिन्यू हुआ था। उसके बाद फिर जब हमने उसका लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया कि कहाँ से फायर कर रहा हो, तो उसके बाद हमने उसको मार गिराया और उसके बाद ऑपरेशन को खत्म किया। वहाँ पे कामयाब हुआ जी, दुख तो हुआ होगा, बच्चे की जान गई जी, काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि बच्चा, जैसे बताया, हमारे कुछ आर्मी गुडन स्कूल का बच्चा था, बड़ा ही मेघावी बच्चा था, पढ़ने में बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत ही शांत बच्चा था। आप पर्सनली जानते भी थे? मैं पर्सनली जानता था। उसके बाद देखिए जी, बिल्कुल किस्मत है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों आपने देखा कर्नल साहब ने क्या क्या बातें बताई, ये गैलेंट्री अवार्ड 2 बार इन्होंने जीता है, सेना मेडल फॉर गैलेंट्री 2 बार जीता है, और ऑपरेशंस के बारे में किस तरीके से राष्ट्रीय राइफल्स ने, 13 RR ने सब कुछ ऐसा करा कि आम सिविलियंस को क्षति ना पहुंचे, आम सिविलियंस को परेशानी ना हो, और अंत तक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कई ऐसी फौजें हैं बड़े बड़े देशों की, उनको अगर पता लगता कि अंदर 2 या 3 आतंकवादी हैं, और चाहे सिविलियन भी है, तो दूर से हवाई जहाज से या किसी बड़े हथियार से मार के उस घर को गिरा देते और आतंकवादियों को मार देते। यहाँ पे जान जोखिम में डाल के पूरी कोशिश करी, अंत तक ये कोशिश रही राष्ट्रीय राइफल्स की कि बच्चे को खरोंच तक ना आए, लेकिन आतंकवादी तब तक उस बच्चे को मार चुके थे। मैं अक्सर ये कहता हूँ, द इंडियन आर्मी इज नॉट जस्ट अ पावरफुल आर्मी, इट्स ऑल्सो मॉरल आर्मी। ये एक और उदाहरण है उस नैतिकता का, उस मॉरलिटी का। आइए मेरे साथ, मैं आपको मिलवाता हूँ और लोगों से, 13वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स कुमाऊँ, और आपको कुछ और एरियाज दिखाता हूँ। अच्छा लगेगा आपको ये देखते हुए कि नॉर्थ कश्मीर में किस तरीके से ये जांबाज पलटन ऑपरेशंस करती है।